दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ, किस तरीके से आपको एक छोटे से बिजनेस से 10 बिजनेस तक पहुँचना है और आपको एक करोड़पति और मिलीनियर और बिलीनियर बनना है। एक गरीब आदमी अगर छोटे से बिजनेस से 10 बिजनेस तक पहुंचना चाहे तो 100% पहुंच सकता है, बट एक अमीर आदमी अगर पहुंचना चाहे तो उसके लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ सिस्टम्स लगते हैं पहुंचने में। किस तरीके से, क्योंकि एक अमीर आदमी अगर पहुंचना चाहता है तो वो काफ़ी सारा पैसा लगाना पड़ता है उसे, तब जा करके वो आगे बढ़ता है। बट एक गरीब आदमी अगर पहुंचना चाहे तो कम से कम पैसे से स्टार्ट करके बिना रिस्क लिए वो आगे बढ़ सकता है। एक गरीब आदमी का अगर नुकसान होता है तो मात्र चंद रुपयों में होता है, जैसे कि 1 लाख, 5 लाख या 7 लाख। बट एक अमीर आदमी का अगर नुकसान होता है तो हजारों करोड़ों में होता है, जैसे कि 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ या 7 करोड़, 8 करोड़, इस तरीके से। तो शुरू करता हूँ किस तरीके से आपको एक छोटे से बिजनेस से आपको कम से कम उस बिजनेस से 10 बिजनेस क्रिएट करना है। इससे पहले एक आवश्यक सूचना, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 1000 बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूँ, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। इसके अलावा भी अगर आप एक बिजनेसमैन और एक करोड़पति मिलियनेयर बिलियनेयर बनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ अर्निंग और बिजनेस रिलेटेड वीडियोज अपलोड्स होते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और इस वीडियो को सबके पास भेजना है, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसके पास तो ज़रूर भेजना है। उसे मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और जिसने भी आपके पास वीडियो सेंड किया उसे भी आप भी दिल से धन्यवाद करो। ताकि यूज डिफ्ट टू क्रिएट न्यू एसेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। क्या हुआ, जियो रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड ने अभी कुछ समय पहले 31 मार्च 2020 को ये बताया कि उसने 1,65,035 करोड़ का उसने लोन लिया है। ऑफिसली लोन किस लिए लिया गया था, क्योंकि उसने इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में जियो 4G लॉन्च किया था। जियो 4G लॉन्च करने के लिए ये इतना लोन लिया गया था। अब इस लोन को जब लोन का एक नाम आता है तो लोगों के दिमाग में एक निगेटिव फील्स आ जाती है कि लोन ज़रूर ही किसी एक्सपेंसिव चीज़ को ख़रीदने के लिया गया होगा। यही तो एक सिस्टम होता है, इसी चीज़ को तो आप लोगों को समझना है, इसी चीज़ को तो समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक गरीब आदमी जब लोन लेता है तो ये घर बनवाने के लिए लेगा या फिर कोई गाड़ी खरीदने के लिए लेगा या कोई महंगा गैजेट्स खरीदने के लिए, शादी के लिए लेगा, पार्टी के लिए लेगा। बट अगर एक बिजनेसमैन, आपको अपना माइंड सेट एक बिजनेसमैन वाला बनाना है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना जियो 4G लॉन्च करने के लिए 1,65,035 करोड़ का लोन लिया। लोन लेने के बाद जब जियो 4G मार्केट में लॉन्च हो गया तब उन्होंने क्या किया, नवंबर 5, 2020 को 2,60,024 करोड़ रुपए का उन्होंने कुछ हिस्सा अपनी कंपनी का गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को सेल कर दिया। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को सेल करने के बाद इन्होंने क्या किया, अपना जो लोन था या डेब्ट था उस लोन को इन्होंने चुका दिया। अब लोन को जब इन्होंने चुका दिया, अब लोन को चुकाने के बाद अब लोग सोचेंगे कि इसमें क्या प्रॉफिट, जब उन्हें बेच दिया तो बेचने से दोस्त ये इनको फ़ायदा मिला कि जब इन्होंने चुका दिया अब इससे अगर ये चाहें तो फिर बैंक से दोबारा इससे डबल का लोन ले करके और फिर दूसरा एसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद फिर अगर उसमें लोन की आवश्यकता पड़ती है तो उसे लोन लेना। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने बिजनेस का 20% से 30% तक का ही लोन लेना है, ठीक है। अगर आप इतना लोन लेते हैं तो 100% आप उसे अदा कर सकते हैं और लोग आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाएंगे। नंबर टू क्या आता है, क्रिएट एसेट एंड देन एसेट फ्रॉम एन एसेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फिर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। उदाहरण के लिए 1960 में धीरू भाई अंबानी और चंपक लाल दमानी जी ने, दो लोगों ने मिल करके एक कंपनी की स्थापना की और उस कंपनी का नाम क्या था, रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन। इस कंपनी की स्थापना करने के बाद में इस कंपनी का प्रेजेंट टाइम में जो नाम है वो रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है। या इस कंपनी का नाम चेंज किया और इस कंपनी से इन्हें जो प्रॉफिट हुआ, अब हम जो बिजनेस करते हैं हमें जो प्रॉफिट होता है उससे हम लग्जरी आइटम्स लेते हैं या फैमिली मेम्बर्स को या फिर फ्रेंड्स सर्कल्स को बुला करके उन्हें पार्टी वगैरह देते हैं। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या किया, जिस इस कंपनी से जो इन्होंने प्रॉफिट हुआ इससे इन्होंने और भी बिजनेस तैयार किए। उन बिजनेसर का नाम है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे या इंटरनेट पर सर्च करेंगे, गूगल करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पहला उन्होंने जो क्रिएट किया वो क्रिएट किया रिलायंस पावर के बाद उन्होंने दूसरा जो क्रिएट किया रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा जो क्रिएट किया वो रिलायंस कैप जो रिलायंस
कैपिटल, और चौथा जो क्रिएट किया रिलायंस हेल्थ, और पांचवा जो क्रिएट किया रिलायंस होम फाइनेंस। अब ये क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, इन्होंने अब बिजनेस से, आप बिजनेस में अगर जाना चाहते हैं तो बहुत सारा फायदा आपका। कौन सा फायदा है कि अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए की बचत होती है, तो आप 10 लाख रुपए से बचत होती है, अगर आप 10 लाख रुपए में किसी दूसरे बिजनेस में फिर इन्वेस्ट कर देते हैं, तब आपको क्या प्रॉफिट होगा, तब आपको प्रॉफिट ये होगा कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, टैक्स आपको गवर्नमेंट को कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने दूसरा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अपने पास नहीं रखा। जब आप पैसा अपने पास रखे तब उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, अपना सारा पैसा जो भी यहाँ से इनकी इनकम हुई, यहाँ से इससे नए एसेट्स, नए बिजनेस तैयार करते रहे और अपना पैसा नई जगहों पर क्रिएट करते रहे, जहाँ से अब इन सारी जगहों से इनके पास पैसा आ रहा है, और इनके पास अब इन सारी जगहों से जो पैसा आ रहा है और सारी जगहों पर लगा रहे हैं। जैसे आपको पता होगा टाटा एंड सन्स एक पूरा इंडस्ट्री का ऑनर है, टाटा एंड सन्स। अब टाटा एंड सन्स के पास क्या था, टाटा का नमक है, टाटा का फावड़ा है, टाटा की गाड़ी है, टाटा का फोर व्हीलर है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो टाटा के पास हैं, ये सारी क्या हैं, ये सारे सिस्टम्स जो भी हैं ये एसेट हैं। उन्होंने एक टाटा एंड कभी टाटा प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च किया, बाद में टाटा एंड सन्स के नाम से बहुत सारे इन्होंने एसेट्स क्रिएट करना शुरू कर दिए, बिजनेस से बिजनेस। और आप इसमें फर्स्ट वाला रूल ऐड कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया था, आप एक लोन लो और उस बिजनेस का कुछ हिस्सा बेच करके उसे चुका करके फिर दूसरा इस बिजनेस खोल दो, फिर उसका कुछ हिस्सा सेल करके फिर आप तीसरा बिजनेस खोल दो, धीरे धीरे ये सारे बिजनेस से आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, नंबर थ्री जो आता है, मैक्सिमाइज इन्फेक्शन एंड मिनिमाइज इनकम। इसका मतलब क्या होता है, एक आदमी जब कोई सैलरी पाता है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम उसके पास है और उसको सैलरी मिलती है 50 लाख रुपीज़। अब वो 50 लाख रुपीज़ अगर उसको सैलरी मिलेगी तो इसमें सबसे पहले उसे क्या देना होगा, लोन देना होगा। ठीक है, एक सैलरी वाले को। बट अगर आप बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस वाले के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। क्या है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या, अगर आपका प्रॉफिट 50 लाख रुपीज़ होता है, तो 50 लाख रुपीज़ होता है तो इसमें आप जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप इसमें बिना पैसे लगाए कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप बिजनेस के नाम पर कोई भी खर्चा लगा करते हो तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगता है। अब आप क्या करते हो, जब 50 लाख रुपए बचते हैं तो इसमें आप क्या करते हो, बिजनेस के नाम पर अपना कहीं घूमने भी जा सकते हो, टहलने भी जा सकते हो, किसी से मिलने भी जा सकते हो, पार्टी भी कर सकते हो, बिजनेस पार्टी जहाँ पर लोग इन्वाइट कर सकते हो, ऐसो आराम सारी सिस्टम से अपना सकते हो, और यहाँ पर आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको और एक चीज़ आपने देखा होगा कि आपने पहले से एक चीज़ सुन रखा है कि पैसे बचाओ, और पैसे बचाने के बाद आपको, और जो लोग पैसे बचाते हैं यानी कि कंजूस गिरी, और जो लोग पैसे बचाते हैं कुछ समय बाद उनके पास क्या होता है, फोर व्हीलर एंड गाड़ी जो है अच्छा खासा मकान होता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है। अब जो अमीर आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे को तो सेव करते हैं, बट वो राइट है, बट वो सेव किए हुए पैसे से कोई बिजनेस करते हैं जिससे उनको क्या होता है, एक बार सिर्फ टैक्स देना पड़ता है, वो भी जो अपने पास वो सेव मनी रखते हैं, बट वो सारे बिजनेस के नाम पर ही काम करते रहते हैं। अगर उदाहरण के लिए बात करूं तो रिच डैड एंड पुअर डैड का आपने नाम तो सुना होगा बुक का, तो रिच डैड के क्या होता है, रिच डैड एक बार अपने 12 साल के बच्चे को घुमाने के लिए गए और एक प्लॉट देखा जो बीच के जस्ट बगल था, और उन्होंने बताया इससे कि ये प्लॉट मैंने खरीद लिया है। बच्चा ने हैरान हो गया कि उसको ये तो पता था कि यहाँ बीच के बगल के जो भी प्लॉट होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। उन्होंने कहा कैसे आपने खरीद लिया, उन्होंने क्या कहा कि ये प्लॉट मैंने नहीं खरीदा है। ज़्यादा कन्फ्यूजन में देख करके बच्चे को उन्होंने जवाब दिया कि ये प्लॉट मैंने नहीं खरीदा, ये प्लॉट मेरी कंपनी खरीदा है। बाद में जब वही बच्चा बड़ा हुआ तो उसे ये पता चला कि यहाँ एक कंपनी के नाम पर करने का क्या रीज़न होता है, कंपनी के नाम पर क्या करने का रीज़न होता है, क्योंकि कंपनी के नाम पर प्लॉट खरीदा गया और कंपनी किसके नाम पे है, आपके नाम पे है, यानी कि इसमें टैक्स कोई पड़ना ही नहीं है, और आराम से आप एसेट से एसेट आप आराम से क्रिएट करते रहते हो और अपने बिजनेस को स्केल अप करते रहते हो। एक आदमी जैसे कि जो सैलरी पाता है वो क्या करता है, सबसे पहले टैक्स देता है, टैक्स देने के बाद फिर वो अपने पैसों को एक्सपेंसेस जैसे कि अपने ज़रूरी चीज़ों में खर्चा करता है और फिर उसे यूज करता है, या फिर उसे कहीं बैंक में डिपॉजिट भी कर देता है तो उसे उसे उस पर भी ब्याज देना पड़ता है। बट अगर एक बिजनेसमैन, वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले अपने बिजनेस से बचे हुए पैसे से एक नया एसेट क्रिएट करता है, पैसा कमाने एक नया बिजनेस क्रिएट करता है, और नए बिजनेस में क्रिएट करने के साथ साथ जो भी उसके रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो उसी में ऐड कर देता है, उसी एक बिजनेस गोल और पर्सनल गोल को एक में कंपाउंड कर देता है। अब बिजनेस गोल क्या आता है, जैसे कि 50 लाख रुपये कमाना, पर्सनल गोल क्या आता है, आपको गोवा टहलना या अमेरिका
में घूमना, अब वो क्या होता है, जब गोवा घूमना या अमेरिका घूमना, अब वो किसी बिजनेस के परिपथ से आपने दिखाया कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अब यहाँ पर अमेरिका गए आप बिजनेस के परिपथ से, आपने वहाँ टहल भी लिया, आपका बिजनेस भी हो गया। तो इस तरीके पर्सनल गोल और बिजनेस गोल को एक में कंपाउंड करके बिजनेसमैन अपने आपको खुद को अच्छा महसूस कराते हैं और अच्छा पैसा खर्चा भी करते हैं और अच्छी खासी मौज मस्ती भी करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग देन लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा वो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। जो बड़े बड़े जो मिलीनियर बिलीनियर हैं, अगर कोई भी हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो वो क्या करते हैं, वो बुक्स, वो सबसे बड़ा हथियार बताते हैं बुक्स को। अगर एक COE जो कंपनी का मेन इंचार्ज होता है, पूरी कंपनी को हैंडल करता है, अगर उससे पूछा जाए तो कम से कम साल में वो 12 से 14 बुक्स पढ़ता है, जबकि उसके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कम से कम टाइम होता है। तो क्यों पढ़ते हैं बुक्स, क्योंकि बुक्स में यार वीडियोज, अगर वो मोटिवेशन वीडियोज देखता है, मतलब वो सीखता रहता है, बस इतना समझ लीजिए। तो आपको भी सीखते रहना है। और जो लोग बिजनेसमैन नहीं होते, सिर्फ जॉब करते हैं, उनको एक सिर्फ लिमिटेड इनकम से मतलब होता है, उनको अनलिमिटेड इनकम नहीं चाहिए, उनको सिर्फ लिमिटेड इनकम चाहिए, तो वो लोग कहते हैं हमें सब पता है। तो आपको अगर लिमिटेड इनकम चाहिए तो आप ये कहिए हमें सब पता है, अगर आपको लिमिटेड इनकम नहीं अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो आप सीखना स्टार्ट कर दो। बिजनेसमैन हमेशा सीखते रहते हैं। तो 4 पॉइंट्स है, आशा करता हूँ आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स मिस हो गया, समझ में नहीं आया, तो हमसे आप व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।